हवलदार देशराज का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लबाथाच में पहुंचा। तत्पश्चात राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर उनके सम्मान में 10 डोगरा रेजिमेंट की सम्मान गार्ड और स्टेशन हेडक्वार्टर पालमपुर की सम्मान गार्ड तथा 10वीं डोगरा बटालियन से आए सैनिक व सूबेदार मेजर 10 डोगरा रेजिमेंट सहित एक्स सर्विसमैन सराज के सभी पूर्व सैनिकों ने देशराज के पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से तहसीलदार दीक्षित ठाकुर व स्थानीय पंचायत के सभी लोगों ने भी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दुख की घड़ी में एक्स सर्विस लिंग सराज के चेयरमैन कैप्टन श्याम सिंह व सभी पूर्व सैनिक पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि आज हमें बहुत ही दुख है कि हमने अपने एक वीर साथी को खो दिया। यह हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है। हमें हमेशा इनकी कमी खलती रहेगी। भाई देशराज जैसा सैनिक हमें नहीं मिलेगा। मैं इस दुख की घड़ी में अपने पूरे राज के जितने भी पूर्व सैनिक हैं, पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और इस वक्त भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे भारत माँ के सपूत देशराज को अपने चरणों में स्थान दें और पीड़ित परिवार को इस दुख की घड़ी में उबरने की शक्ति प्रदान करें। हम अपने तहे दिल से, मैं पूरे सभी सराज के सैनिकों की तरफ से देशराज को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं।